साथियों, आप सबका संघर्ष और जंतर मंतर की जमीन कभी भी बेकार नहीं जाएगी। और जिस तरह का आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा, हमें तो लगता था कि मैं जब लौट के आऊंगा तो पता नहीं आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे बहुत फख्र है, आप सबको मैं सलूट करता हूं। बहुत फख्र है, बहुत फख्र है। सारे के सारे लोग जल जमाए हुए हैं। ये किसी संगठन और किसी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। और आपका नेतृत्व आपके ताकत से लड़ता है। आप अगर ताकत नहीं देते हैं तो फिर कोई न सुनता है न कोई सुनाता है। ये आप संघर्ष करते रहे, खड़े रहे, डटे रहे, आज पूरा का पूरा सरकार बजट पर लगी है, लेकिन आपका आह्वान संसद भवन का कि संसद मार्च करेंगे, थोड़े से टेलर में यहां से वहां तक पूरी सरकार हिली। गडकरी साहब तक बात गई, गडकरी साहब, क्योंकि जेटली साहब तो है नहीं, और हम तो उसके लिए दुआएं करूंगा जी कि बेचारा ठीक हो जाए, फिर आके 16% कर दे, तो दुआएं करूंगा। ठीक है, वो हमारे साथ अन्याय करे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में हम दुआएं करेंगे। तो क्योंकि बजट सब चल रहा है, तो 5 बजे तक गडकरी साहब वहां, 5 बजे तक वहां, उन्होंने कहा कि 5 बजे तक आप रुकिए, 5 बजे तक, लेकिन हमने कहा सर हमारे साथी सड़क पे हैं, तो 5 बजे तक तो संभव नहीं। फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी से, नरेंद्र सिंह तोमर साहब है, सामाजिक अधिकारिता मंत्री है, उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल की बात की और उन्होंने सारी बात को पॉइंट वाइज समझा है, और उन्होंने कहा कि आज आपका बजट सत्र हो जाता है, मैं शासन के अंदर ले जा करके आपकी बात रखूंगा। एक बड़ी बात जो उन्होंने कहा, जब समझने के बाद जब बताया गया कि 500, 800, 700 रुपए पेंशन मिल रही है, तो उन्होंने बात कहा नहीं, ये पूरी तरह अन्याय है और पुरानी पेंशन न्याय संगत मांग है। एक मिनिस्टर अगर ये बात मानता, देखिए मनवाना तो उन्हीं से है ना भाई। अच्छा, इसमें बैठा हुआ कोई पास करेगा क्या? इसमें बैठा कोई नहीं पास करेगा। पास करना, बात करना तो नहीं को है, लेकिन उन्होंने इस बात से सहमति जताई कि नहीं, आपका मुद्दा बिल्कुल सही है और आज हमें आप बजट सत्र है, क्योंकि एक भी आदमी से असंभव नहीं है, लेकिन जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा आपकी बात हम प्रधानमंत्री के सामने, सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन अपनी बात हमने उनसे कह दिया है, ये भी कहा है पूरे देश की लड़ाई है, आप इसको रखें, आप इसको करें, लेकिन NMOPS का एक आह्वान आज होगा। तैयार है? नहीं तैयार है? तैयार है, लेकिन लड़ाई छोटी नहीं, याद रखिएगा, लड़ाई बड़ी है, लेकिन आप सब तैयार रहे। इस जो अभियान को है, इस अभियान को हम पूरे देश में ले चलेंगे, पूरे देश में इस अभियान को ले चलेंगे। और अगला जो पड़ाव होगा हम सबको, क्योंकि ये उसी बैठने वाले लोग हैं, हम अपने अपने पूरे देश के सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में घेरने का काम करेंगे। आज के बाद ये फैसला कर लेना, एक भी सांसद और एक भी विधायक को हम आज से माल्यार्पण कोई कर्मचारी नहीं करेगा, आपका विभाग का मंत्री हो, आपका क्षेत्र का सांसद हो, आप कह लेना ये माल्यार्पण करने को तैयार है, लेकिन जब पुरानी पेंशन बहाल होगी, माननीय सांसद जी आपको प्रिय है, आप हमको प्रिय हो, ठीक है, लेकिन आज के बाद से उनका जो सम्मान था कर्मचारियों के बीच में, उस अभियान को लेकर के हम देश भर में चलेंगे। क्या आप तैयार है? रेडी है? रेडी है। अब आपको दो चीजें और बता दूं मैं, आपको लगता होगा कि क्या हुआ 5 दिन से, गांधी जी का आंदोलन आपने सुना है, गांधी जी का आंदोलन सुना है, आप जब यहां बैठे हैं तो आप यहां बैठे हैं, आपको पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है, करा नहीं करा कि आज जंतर मंतर पे क्या चल रहा है और आज क्या होगा, इससे क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा भाई आलस में बैठा है उसको भी लगता है कि नहीं आंदोलन हमें साथ देना। और आज मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, ये जो नजारा आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं पुरानी पेंशन का, ये मात्र कर्मचारियों के 10% के जागने का नतीजा है। कितना? कितना? मात्र 10% कर्मचारी भी जागा है। हम मुकरते में नहीं है, हम भ्रम में नहीं है, गलत तो नहीं हूं मैं, ये मात्र 10% जागा है। हमारा लक्ष्य 20% जगाने का है, 20% हमें कर्मचारियों को जगाना पड़ेगा और लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा।
एक बात आप ध्यान रखना, अभी आपके बीच में कोई सांसद जी आए थे, रवि वर्मा जी और मनोज झा जी, और अभी सूचना है वो कांग्रेस के जो की मैन है, की मैन समझते हैं ना, नहीं समझते? अरे बोलो भाई, समस्या ही हर आदमी सोता विजय बंधु में बोल की मैन समझते हैं। किसी भी गेट की जो ताले की चाबी होती है वो होता है, और कांग्रेस के की मैन आपके बीच में आ रहे हैं, उनको इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि उनकी जगह वाली बात भी करना है। हमें भी केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम जितनी भी सरकारें चाहे जिसकी हो सबके विरोध में हम हैं, मानते नहीं मानते? तो अहमद साहब अभी हमारे आपके बीच में आ रहे हैं, अहमद साहब को भी हम लोग सुनेंगे और उनसे भी कहेंगे जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, अगर आपको लगता है यह आंदोलन भाजपा के खिलाफ है तो सबसे पहले आप पुरानी एनपीएस के खिलाफ होंगे और अपने राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल करिए। और एक चीज आपको बहुत दूरदर्शिता वाली बता रहा हूं, अगर उन राज्यों में सरकार बहाल कर देती है तो आपको अचानक रात 8 बजे सुनाई पड़ सकता है, और इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अहमद पटेल आ रहे वो की है कांग्रेस के, अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस ने लागू कर दिया और मोदी को सुनाई पड़ गया तो रात 8 बजे भाई और बहनों आप इसको अपनी लड़ाई को ना मानिए, मैं बता रहा हूँ बहुत सेंसिटिव टाइप चल रहा है, बहुत ही निर्णायक दौर में हम हैं, और निर्णय आपको क्या लगता है जंतर मंतर रिपोर्ट अभी वहां शासन के लोग डेली की रिपोर्ट आपकी यहाँ आ रही थी, डेली की रिपोर्ट पूछी जा रही थी क्या स्थिति है कैसी है, आपका संघर्ष कभी खराब नहीं जाता, और हम सब इसीलिए लगे हैं किसी तरह से उन राज्यों में घोषणा हो जाए तो फिर हम लोग टीवी अपना अपना खोलेंगे रात 8 बजे भाई और बहनों। दो लाइन मैं बता रहा हूं आपको, अभी भी लग रहा है नहीं मैं भी पॉजिटिव बात नहीं हूं, 19 के घोषणा के पहले ये प्रधानमंत्री रात 8 बजे आ सकता है किसी तारीख है दबाव है, उधर भी सत्ता में भी दबाव है, और आने के बाद 8 बजे क्या बोलेंगे भाई और बहनों।